आज मैं अलका पांडे आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो अभी तक पढ़ाया था उसके बारे में आगे अपनी क्लास में पढ़ाएंगे। स्टूडेंट, मैं आप सबसे शुरू से कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करिए और उनको लगाइए। जैसे अगर मैंने आज आपको ईटी पढ़ाया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उनको आप लगा लीजिएगा। इसी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बार बार कहने के बाद भी ऐसा नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको काम करना है। मैं एक आज एग्जाम्पल सैम्पल क्लास लेके आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसी तरह का क्लास आगे जारी रखेंगे सारे टॉपिक्स पे। तो आज का जो क्लास है वो किस तरह की है कि देखिए मैंने क्या किया हुआ है कि इस तरह से मैंने UGC नेट की साइट से सारे पेपर्स को डाउनलोड किया, उनको एक एक करके लगाया, उसके बाद उस पर जो भी क्वेश्चन आया है उनको मैंने डिस्कस किया, बुक से देख के पढ़ा है, वही मैं आपको आज करके दिखाती हूँ। हमने ईटी का क्लास लिया था, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के तीन क्लास लिए थे। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर अभी तक UGC नेट में आ चुके हैं उनमें 2018 से लेके 2016 तक, यानी कि दो पेपर 2016 के, दो सिक्स टू दो 2018 के पेपर, दो 16 के, दो 17 के। तो आज हम यहाँ पे सिक्स पेपर में जो UGC नेट में स्पेशली एजुकेशन टेक्नोलॉजी से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले 2018 को लेते हैं। 2018 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आया था, और दिसंबर में 2018 में एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि नेट का दो पेपर हुए हैं जो जून और जुलाई वाला और दिसंबर वाला, उन दोनों में ईटी का क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया था। तो मैं एक 2018 वाला बता दे रही हूँ और दिसंबर में भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सो क्वेश्चन ये है, पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ बाद में इंग्लिश में, कि नीचे दिए गए कथनों की एक सूची दी गई है जिसमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ, प्रयोजन और दायरा को बताइए। जो 2018 दिसंबर में पूछा गया था उसमें शासन लिखा था कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी का कंसेप्ट बताइए, इसमें अर्थ, प्रयोजन और दायरा बताया गया है। तो क्वेश्चन वही है, बस उसका तरीका यहाँ पे बदल दिया गया है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है, ईटी अधिगम परिणामों को बेहतर बनाती है, ईटी शिक्षा की लागत को कम करती है, ईटी शैक्षिक प्रयोगता अनुकूल होती है, ईटी अधिगम परिणामों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करती है, ईटी अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी संचार नेटवर्क का परिणाम है। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं है वो लोग सीधा ये प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे। आपको ईटी का अर्थ जानना है तो आपका एक नोट्स यहाँ से तैयार हो गया कि इसका जो आंसर है वही आपका ईटी का अर्थ है, वही UGC नेट मान रहा है। तो इसका आंसर कैसे है देखिए, ऑप्शन ए दिया था कि ईटी अधिगम परिणामों को बेहतर बनाती है। मैंने आज आपको पढ़ाया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो भी सीखते हैं, जो भी हमको सिखाया जाता है, वो कैसा हो जाता है, बेहतर हो जाता है, सीधी सी बात है। जैसे आज आप लोगों ने PDF के लिए कहा कि मैम PDF दे दीजिए जो आपने पढ़ाया, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं क्या PDF आप तक भेज सकती? ऑफकोर्स नहीं भेज सकती, आप लेक्चर सुनते और बात देंगे वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन जो YouTube पे लेक्चर पड़ा हुआ है इसको आप 10 बार देख सकते हो, PDF मंगा लिए हैं आपने उसको देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बार बार आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या संभव हुआ है कि आपका जो लर्निंग के परिणाम है वो कैसे हैं, बेहतर हुए हैं, तो बिल्कुल सही है ये। अगला ऑप्शन है इसमें, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा की लागत को कम करती है। तो ये तो आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी जब भी यूज़ की जाएगी तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है, क्योंकि मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सबको चलाने के लिए पैसा चाहिए, प्रोजेक्टर है, लाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ मशीनरी यूज होगी उसकी लागत होती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी ईटी शिक्षा की लागत को कम करती है, नहीं, ये शिक्षा की लागत को हमेशा बढ़ाती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगता अनुकूल होती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि ईटी इज यूजर फ्रेंडली, यानी कि जो ईटी है वो यूजर फ्रेंडली है। तो आप बताइए, नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं,
जो बहुत दूर दराज गाँव में रहते हैं जहाँ तक तक पहुँच नहीं है, उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा। अगला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मुख्य भूमिका होती है। इट हैज अ रोल इन टीचिंग लर्निंग सिस्टम इफेक्टिव, यानी कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में ईटी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सही है आपका। तो इस तरह से जो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए डी और ई। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। सेम यही क्वेश्चन दिसंबर में पूछा गया है, सेम यही क्वेश्चन आपका जुलाई में पूछा गया है। तो एक पेपर हमारा, दो पेपर कंप्लीट हो गए यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं नवंबर 2017 का पेपर है, जिसमें क्वेश्चन आया है कि व्यवस्था उपागम के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम बताइए। इंग्लिश में बोलेंगे इसको, मैं साथ साथ ही पढ़ लेती हूँ इंग्लिश और इंग्लिश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीक्वेंस ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ सिस्टम अप्रोच। देखिए, मैं जब आपको पढ़ा भी रही थी तब भी मैं आपसे ये कह रही थी कि सिस्टम अप्रोच जो है, जो तीन तरह की अप्रोच मैंने बताई थी आपको ईटी में, आपको याद होगा, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। आपके और मेरे बीच में जो मीडियम काम कर रहा है ये सिस्टम अप्रोच है, जैसे फीडबैक है, एनालिसिस है, ये सभी क्या है, सिस्टम अप्रोच है। इवैल्यूएशन है, किसी को इवैल्यूएट करना है, तो ये सारा सिस्टम अप्रोच है। मैंने आपसे कहा था कि बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिस्टम अप्रोच पूछा जाता है, यानी इसको व्यवस्था उपागम कहते हैं। व्यवस्था उपागम का क्या क्वेश्चन आया है कि करंट सिक्वेंस पूछा है। मैंने आपको एक सिक्वेंस में बताया था कि पहले हम इनपुट देते हैं, फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है, फिर एनालिसिस होती है, फिर फीडबैक आता है, फिर इनपुट होता है। तो इस तरह से मैंने, एक आपको याद होगा तो आप प्रीवियस, जिन्होंने नहीं देखा मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, तो उसमें मैंने इस तरह से आपको समझाया था। ठीक है, सीधा सा बहुत ही एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि जिसमें ये पूछा गया है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। अब करेक्ट सीक्वेंस आपको याद कैसे रखना है, कई तरह का दिया हुआ है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। हिंदी में है विश्लेषण, नियोजन, प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन। इसका आंसर क्या है, विश्लेषण, नियोजन, प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन। इंग्लिश में है एनालाइजिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मैंने शॉर्ट लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आता है हमारा इसमें, किसी भी चीज को एनालिसिस करना है, उसके बाद प्लानिंग करनी है, फिर मैनेजमेंट करना है, फिर उसका क्या करना है हमको, तो यहाँ पे मैनेजमेंट करना है, फिर उसका मॉनिटरिंग करना है और फिर उसको इवैल्यूएट करना है। ठीक, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस देखिए, याद कभी भी रखना हो ना कि आपको क्या याद रखना, सिस्टम अप्रोच है, तो इसको शॉर्ट में बना लो, ए टी एम एम ई। ए टी एम एम ई सिस्टम अप्रोच, इसका सीक्वेंस क्या है। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए पी एम एम ई, ए से क्या है, एनालिसिस है, पी से प्लानिंग है, एम से मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट है, इवैल्यूएशन है। इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा नवंबर 2017 पूछा गया था। नवंबर में कई सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है नवंबर में नेट में, कि नीचे दिए गए कथनों को पहचानिए जो शिक्षा तकनीक के उद्देश्य तथा प्रभाव को बताते हुए। अब देखिए, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, ईटी का अर्थ क्या था, उसका क्या मतलब था, उसका दायरा क्या था, लिमिटेशन क्या थी। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना है कि ईटी का उद्देश्य क्या है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच मोस्ट एक्सप्लेन द पर्पज एंड इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ पे हम पर्पज और इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं जो इसी
आपका कहाँ से आएगा क्वेश्चन पेपर से, ये बहुत ही ऑथेंटिक है, यही यूजीसी नेट पूछता है बार बार, तो वही आपके काम आएगा। अब इसमें क्या पर्पज है, क्या उसका इफेक्ट है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है, ईटी शिक्षक का स्थानापन होने के बजाय एक अनुपूरक है, यानी कि इसका क्वेश्चन का मतलब है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देते हैं कि ईटी इज अ सप्लीमेंट रैदर देन अ सब्स्टिट्यूट ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेरी जगह आपको कंप्यूटर रोबोट नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन किसकी हेल्प से पढ़ाऊंगी, टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाऊंगी। एजुकेशन आप किसकी मदद से ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी की, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि रोबोट आपको आके पढ़ाने लगेगा, वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो हम ईटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि उसका स्थान लेने की बजाय क्या है, अनुपूरक है। बिल्कुल सही बात है कि उसकी जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका उसको कंप्लीट करती है, तो पहला सही है हमारा। दूसरा है कि ईटी का उपयोग निर्देशन को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे ईटी इज यूज्ड विद द इंटेंट ऑफ मेकिंग इंस्ट्रक्शन अट्रैक्टिव, कि जो निर्देशन देते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। निर्देशन एक अलग चीज है, इसका ईटी में कोई यूज नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है, ईटी का उद्देश्य अधिगम की उपलब्धियों को इष्टतम करना है, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, द पर्पज ऑफ ईटी इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग के जो आउटकम्स है उसको और बेहतर बनाना ईटी का उद्देश्य। बिल्कुल सही है, तो ए भी सही है हमारा, सी भी सही है। अगला ऑप्शन है डी, ईटी बहुमाध्यम दृष्टिकोण का उपयोग अधिगम विशेषताओं को निर्मित करने के लिए किया जाता है, यानी कि इंग्लिश में है कि मल्टीमीडिया अप्रोच इज ईटी इज इंश्योर क्लियरिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग करेक्टरिस्टिक, यानी कि जो भी आपका लर्निंग का जो आपकी करेक्टरिस्टिक है उनको बहुत तरीके से आपको मल्टीमीडिया का यूज करके आप समझ सकते हैं, तो ये भी सही है। अगला है कि ईटी को हार्डवेयर की बजाय सॉफ्टवेयर पे अधिक बल देना चाहिए, नहीं ये नहीं सही है, क्योंकि देखिए ये हार्डवेयर है, इस पे जो लिखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर है, बिना बोर्ड के जो हम लिख रहे हैं उसका भी कोई मूल्य नहीं है, बिना लिखे बिना मार्कर के जिसे हम लिख रहे हैं बोर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, और बिना बोर्ड के मार्कर का कोई मीनिंग नहीं है। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अनुपूरक है, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्कर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड ज़्यादा, वो हर इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो ये इसका ए सी डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है नंबर 217, कई क्वेश्चन पूछे गए थे ईटी से। अगला पूछा गया है कि दो सेट दिए हुए हैं, कि एक में दिया है कि प्रोग्राम का टाइप क्या है, प्रोग्रामिंग का, और उसके फीचर्स क्या हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो क्या पहला दिया है लीनियर, दूसरा दिया है ब्रांचिंग, तीसरा दिया है मैथमेटिक, अगला है कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग टीचिंग। अच्छा लीनियर का आपको पता होना चाहिए कि लीनियर किससे रिलेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं लीनियर का जो संबंध है वो है प्राथमिक लेपन और अनुमोदन के साथ लघु सोपान प्रस्तुतिकरण से, तो इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद प्रीमिनिंग ऑफ प्रमोटिंग। कैसे, देखिए जब भी आपको लीनियर, शायद अभी आपको मैंने पढ़ाया भी नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये वन लाइनर चलती है, जैसे आपको एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है, आपसे चार फ्रूट्स पूछे गए हैं, तो चार फ्रूट्स के नाम आपको लिखने हैं, तो अगर आपको ये एप्पल समझ आता है तो आप नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे, और ये भी समझ आता है तो नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको ये वाला यहाँ पे, अगर मान लीजिए कुछ बनाना लिखा है और ये आपको समझ नहीं आता है, तो आप क्या होगा, आप फिर से पीछे आएंगे और एक बार क्या समझेंगे एप्पल, फिर आप बी फॉर बनाना समझेंगे, तब सी फॉर आप कैट पे जाएंगे। इसी तरह से वन लाइन वन वाई हम चलते जाते हैं, और जब तक हमारा पूरा प्रोग्राम हमको समझ में नहीं आ जाता है तो ये वन लाइन होता है। तो ये क्या, इस जब भी लीनियर की बात आए तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन दिया है कि स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन, हमेशा हम वन स्टेप बाई स्टेप। इसमें ब्रांचिंग में क्या होता है, ब्रांचिंग में
स्टेप दिए होते हैं, लेकिन लीनियर में क्या होता है कि वन छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से लीनियर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा इसमें ब्रांचिंग। तो मैं सीधा सीधा आंसर बता रही हूँ, मिसमैचिंग वाले जो है वो नहीं बता रही हूँ। ब्रांचिंग में बताया है उसने कि ब्रांचिंग क्या होता है, हिंदी में है त्रुटि समाधान के साथ बृहत सोपान आकार, यानी कि जो भी मिस्टेक्स हैं उनका आपको तुरंत क्या मिलेगा, फीडबैक, और उसके बाद आप समाधान करते हुए बड़ा समाधान है। जैसे कि मैं अभी समझा देती हूँ, विश्व पढ़ देती हूँ ब्रांचिंग का। लार्ज स्टेप साइज विद प्रीवियस एरर ट्रीटमेंट, यानी कि देखिए मैंने कहा था कि इसमें ऐसे होता है, जैसे ऑप्शन ए आप बी, ए के भी इसमें चार पार्ट होंगे ब्रांचिंग में, 1 2 3 4 1 2 3 4। जैसे आप मान लीजिए वन पे आए, वन आपको समझ में आ गया तो आप टू पे जाएंगे, टू समझ में नहीं आया तो फिर ए पे जाएंगे। इस तरह से आप जब एक पूरा ब्रांचिंग कंप्लीट करते हैं तभी आप नेक्स्ट पर जाते हैं। तो ये जो इस क्रिया है वो कैसे चलती है, लार्ज ब्रांचेज हैं, कई सारी क्या है ब्रांचेज हैं, तो इसमें जो ब्रांच ज़्यादा होती है तो स्टेप भी ज़्यादा हो गई। तो लार्ज स्टेप की बात आए तो ब्रांचिंग, स्मॉल स्टेप की बात आए तो क्या है आपका वहाँ पे लीनियर। अगला है इसमें मैथमेटिक्स, यानी कि श्रृंखलित बोलते हैं, कभी कहीं चैन भी लिखा होता है। ये कैसा होता है, इसका बड़ा आसान है, सूचना पश्चगामी श्रृंखला बनाना, हिंदी में इंग्लिश में है इसका चेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन का क्या होता है मैथमेटिक्स वाले में, जिस चैन वाला रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक चैन दिया होता है। तो ये आसान है, एक चैन होगी तो दूसरी चैन शुरू होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग एंड टीचिंग, तो हिंदी में है कंप्यूटर सहायक अधिगम और शिक्षण। इसका जो आंसर है वो है हमारा अपेक्षाकृत खुला प्रश्न उत्तर पत्र, यानी कि ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कंप्यूटर बेस्ड होता है उसमें क्या है कि सीधा सीधा एक खुला प्रश्न पत्र होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं जिनको करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये हमारा क्वेश्चन और कम्प्लीट हुआ। इसके बाद स्टूडेंट 2017 जनवरी का जो पेपर है वो देख लीजिए, जनवरी में क्वेश्चन आया था कि सिस्टम अप्रोच को किसके आधार पर मान्यता दी जाती है। देखिए मैं कह रही हूँ कि देखिए सिस्टम अप्रोच का क्वेश्चन थोड़ी देर भी हमने पहले किया है, फिर से आ गया सिस्टम अप्रोच पे बार बार क्वेश्चन आता है। अब इस तरह के बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये जो बोर्ड है ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, ये नहीं आता। अब सीधा सीधा क्वेश्चन कहाँ से आता है आपको, सिस्टम अप्रोच से। तो ये पूछ रहा है कि सिस्टम अप्रोच जो प्रणाली उपागम है, कभी कभी व्यवस्था प्रणाली उपागम लिखता है, कभी कभी सिर्फ प्रणाली उपागम लिखता है, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा आसान है, वहाँ सीधा सिस्टम अप्रोच ही हमेशा लिखा रहेगा। तो मेरा सजेशन है कि जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज इंग्लिश वाला एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच इज प्रिफर्ड टू द फॉलोइंग ग्राउंड, किस ग्राउंड पे आधारित है। इसका ऑप्शन है, हिंदी में पढ़ देती हूँ पहले, इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है, इसमें कक्षा संप्रेषण के अभिकल्पन में शिक्षकों के प्रयासों पर नियंत्रण रहता है, इससे शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों की योजना तैयार करने में समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा मिलता है, इसमें शिक्षण के मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारण में सहायता मिलती है, इसमें कार्य विश्लेषण का उपयोग सन्निहित है। इंग्लिश में इट लाइज एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इट कंट्रोल द एफर्ट्स ऑफ टीचर इन डिजाइनिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, इट इनकरेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन प्लानिंग टीचर लर्निंग सिचुएशन, इट हेल्प इन सेटिंग द क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट ऑफ टीचिंग, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ टास्क एनालिसिस। इसका आंसर देख लीजिए, नंबर पहला है कि इसमें जो आपके इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर जोर दिया जाता है सिस्टम अप्रोच पे। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि जो आपके मेरे बीच में अभी चल रहा है सेशन उसमें किस पे हम जोर दे रहे हैं, इस पे हम किस पे जोर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कक्षा संप्रेषण में शिक्षक के प्रयासों पर नियंत्रण रहता है कि अभी जो कम्युनिकेशन है उसमें सारा एफर्ट किसका है, मेरा है, फीडबैक आपकी किस बाद में आएगी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है सी,
इसमें अधिगम की स्थितियों की योजना तैयार करने में समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि कम्युनिटी का इसमें रोल रहता है। इसमें कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है, इसमें इंडिविजुअल टीचर और स्टूडेंट का रोल है, तो ये गलत हो जाएगा। डी कहता है कि इसमें शिक्षण के मूल्यांकन करने के लिए मानदंड निर्धारण करने में सहायता मिलती है, ये बिल्कुल सही है कि सिटिंग इन द क्राइटेरिया ऑफ द असेसमेंट ऑफ टीचर, यानी कि आप मेरा वीडियो के बाद क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला है ई, इसमें कार्य विश्लेषण का उपयोग सन्निहित है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ टास्क एनालिसिस, सीधी सी बात है कि मेरा टास्क है कि मैं आपको ईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊं, ये टास्क एनालिसिस आधारित है, ये मेरा पहले से प्रिंसिपल था, आपको सीखना है, मुझे सिखाना है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से सिस्टम अप्रोच का क्वेश्चन था, सही हो गया हमारा। अगला है 2016 का पेपर, 2016 में कई सारे क्वेश्चन आए हैं। चलिए 2016 के हम पेपर अगले में लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। चलिए आगे अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके। जो लोग बी एड डी एड या सी टेट टैट की तैयारी करें, ये उनके लिए भी हेल्पफुल है, और नेट वालों के लिए तो स्पेशली मेरा टारगेट ही नेट के लिए है, बट बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।